एनर्जी इज वॉट कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम सीखेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इसको डिराइव कैसे करते हैं। हमने कहा कि जो वर्क है यही स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज, अगर कोई चीज चल रही होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। दैट मींस डेफिनेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, द एनर्जी पजस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई चीज चलती है तभी उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई चीज अगर पहले रुकी हुई है और थोड़ी देर बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो एस डिस्टेंस कवर किया, और पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई वी। तो हमारे पास न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से हम s निकालेंगे, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला है उसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यानी s की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पर आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यानी यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी डिस्टेंस का आंसर आपका हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, और हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है m into a, मास into acceleration। अब ये दोनों फॉर्मूले हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो वर्क इज व्हाट, वर्क विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m into a into v square upon 2a। ये दोनों a हमारा कैंसिल हो जाता है और हमारा फॉर्मूला हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम डराइव करते हैं। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन, द एनर्जी पजस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कि किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है अपनी मोशन की वजह से उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी की, वो बॉडी में कितना वजन है, दूसरा वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी भारी है, बड़ा सा ट्रक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसी के हिसाब से डिपेंड करेगी। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी चीज़ आती है काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी की सेम यूनिट है, दैट इज जूल, जो यूनिट हमारी वर्क की होती है। क्लियर, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इसके बाद बताएंगे काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। अब काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल देखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ये निकालना है। पहले हम यहाँ देखेंगे जो जो डेटा दिया हुआ है, ये क्या लिखा है, मास कितना है 10 kg। तो हमने डेटा क्या बनाया, मास 10 kg। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। आप बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर मास आपका किलोग्राम में है तो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मास ग्राम ग्राम में होता है तो आप इसको किलोग्राम में बदल लीजिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ मास आपका कितना हो गया 10, वेलोसिटी स्क्वायर यानी 20 को हमने दो बार लिखना है। तो अभी आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 × 100 दैट इज 2000, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जूल। तो इसकी एक यूनिट और क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन निकाला जाता है। अभी हम यहाँ पर आपसे कह दें कि यहाँ पे ये आपका 10 किलोग्राम ले दिया हुआ है, ये हम आपसे कहते हैं मान लीजिए 10 ग्राम दिया हुआ है, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये जो आपका 10 ग्राम है आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि तब वो किलोग्राम में बदलेगा। जैसे आपका जो मास दिया हुआ है वो 10 ग्राम दिया है, तो आप इसको किलोग्राम में बदलेंगे, तो 10 / 1000 करेंगे कि नहीं, तब ये किलोग्राम में बदलेगा।
तो इसीलिए आपको मास किस में रखना है, किलोग्राम में, और वेलोसिटी किस में रखनी है, मीटर पर सेकंड में, ध्यान रखिएगा। तो जब ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 2 जूल्स। तो देखिए कितना अंतर आ गया आंसर। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि मास आपको किलोग्राम में रखना है, वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में रखनी है। दूसरी चीज़, आपका ये जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम इसी पर एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताऊंगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के। ठीक, अब नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन लेने जा रही हूँ आपके सामने। नाउ वॉच द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 5 सेकेंड्स। कोई एक बॉडी है उसका मास 2 kg है, उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं 5 सेकेंड के लिए। चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 m to 20 m/s। तो वो बॉडी पहले 10 m/s की स्पीड से चल रही थी, अब वो 20 m/s की स्पीड से चलने लगी। फाइंड द वर्क डन, उस बॉडी पर हमने कितना काम किया। पहली चीज़ आप देखिए, आपको वर्क डन निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि वर्क डन लिखा है। लेकिन ये बॉडी मूविंग है, चल रही है, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा आपको काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया वही आपका वर्क डन होगा। यानी इस फॉर्मूले में आपका क्या होगा, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और जो बाद में काइनेटिक एनर्जी है दोनों निकाल के हम माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज इन वर्क डन निकलेगा। तो आपकी जो पहली काइनेटिक एनर्जी होगी, फर्स्ट वाली काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, पहली काइनेटिक एनर्जी। दूसरी काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज इन वर्क डन आएगा, टोटल वर्क डन। जब भी कोई चीज़ मूविंग हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आप यहाँ से देखिए कि मास कितना है बॉडी का, 2 kg। ये हम पहले एनालिसिस कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन की। मास देखिए आपका केजी में दिया है, तो आपको 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है फॉर 5 सेकेंड्स, लेकिन हमारे इस फॉर्मूले में कहीं पे टाइम का कोई यूज नहीं, तो ये बेकार में दिया, इसका हमें कोई काम नहीं है। फिर है इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 m to 20 m, यानी उसकी पहली वाली इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 m/s, बाद वाली फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 m/s। कुछ समझ में आया? तो हम पहले पहली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर दूसरी निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस करिए। यानी आपको ये क्या हो जाएगा, हाफ मास आपका एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। या तो आप पूरा पूरा दोनों वैल्यू रख के सॉल्व कर लो और फिर माइनस करो, या आपके पास एक दूसरा तरीका क्या है, आप देखिए ये दोनों चीज़ें तो सेम है ना, तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया हाफ एम, और हमने क्या कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने यहाँ वैल्यू रखी हाफ, मास कितना दिया हुआ है हमको 2 kg, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी 20² - 10². ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर कोई टफ हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हाफ इंटू टू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो 20 - 10 और 20 + 10, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। अब आपका 2 2 कैंसिल हो गया, 20 में से 10 गया कितना बचा 10, और 20 और 10 जोड़ा तो कितना हो गया 30, तो आपका आंसर कितना हो गया 300 जूल। तो इस तरीके से वर्क डन यानी चेंज इन काइनेटिक। नाउ वॉच दिस क्वेश्चन। इफ टू बॉडीज आर मूविंग, दो बॉडीज है मेरे पास, उनकी स्पीड अगर सेम है और उनके मासेस का रेशियो ये है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या रेशियो है। आप ऐसा समझिए कि आपके पास ये दो बॉडी हैं, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा, ये m1 ये m2, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो हमको इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है, ध्यान से देखना। तो उनकी स्पीड सेम है, यानी ये v1 और v2 सेम है, यानी इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी वेलोसिटी v है। इनके मास का रेशियो 1:3। अगर पहले वाले का जो मास है वो मान लो x है, दूसरे वाले का मास 3x हो जाएगा,
अब हमको दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एक्स वी स्क्वायर। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, हाफ थ्री एक्स वी स्क्वायर। अब दोनों का हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, यानी इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका हो जाएगा हाफ एक्स वी स्क्वायर अपॉन हाफ थ्री एक्स वी स्क्वायर। ये दोनों कट गए, सब कुछ कट रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, वन अपॉन थ्री। यानी अब मासेस का रेशियो अगर रहेगा, स्पीड सेम है, तो वही जो रेशियो वन इज टू थ्री यहां था, वही रेशियो आपका वन इज टू थ्री यहां होगी। अब इसी में मैं दूसरी तरह से क्वेश्चन दे रही हूं, अगर आपका मैं कह दूं कि मास सेम है और वेलोसिटी अलग अलग है, जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहां कह दें इफ द मास इज सेम एंड रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज वन इज टू थ्री, तब उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या रेशियो होगा। यानी मास देखिए सेम है, तो ये मास m, तो ये भी मास m, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लीजिए v, क्योंकि ये 1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3v। ठीक, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम थ्री वी स्क्वायर, यानी हाफ एम नाइन वी स्क्वायर हो गई। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, मान लीजिए हम यहीं पर निकाल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टू, यानी हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम नाइन वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या आ रहा है, हमारा हाफ हाफ आपका कट जाएगा, एम कटेगा, वी भी कटेगा, तो आपका रेशियो क्या बन गया, वन इज टू नाइन। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी के सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।